चलो दोस्तों, चलिए मध्य प्रदेश के संगीतकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तानसेन का नाम आता है। तो इनका जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में मुकुंद मिश्रा के यहाँ 1506 ईस्वी को जन्मे रामतन मिश्र को भथा के राजा रामचंद्र ने तानसेन, जबकि अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी। बचपन से ही वे एक सूफी फकीर मोहम्मद गौस के संपर्क में थे और संभवतः उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। गौस ने ही उनकी दुथली आवाज को ठीक किया था। वृंदावन में स्वामी हरिदास ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। पुनः वो गौस के सानिध्य में ग्वालियर लौट आए और मान सिंह की विधवा मृगनयनी से उन्होंने संगीत शिक्षा ग्रहण की। उन्हें कर्ण और महमूद ने भी संगीत की शिक्षा दी। तानसेन जब रीवा के महाराज रामचंद्र के दरबार में थे, तब अकबर की सेना के रीवा पर आक्रमण के समय अकबर के दूत जलाल खान की भेंट तानसेन से हुई और वह उन्हें आगरा दरबार में ले गया। अकबर के समय तानसेन उनके नवरत्नों में शुमार हुए। यद्यपि तानसेन संगीत के सातों रागों में प्रवीण थे, तथापि श्री राग भैरवी, राग मल्हार दोनों उनके द्वारा याद किया गया था। राग दरबारी, राग दीपक में उनकी कोई शान नहीं थी, लेकिन तानसेन को अमर बनाया राग दरबारी तोड़ी मियाँ की सारंगी, मियाँ की मल्हार ने। 1585 ईस्वी में आगरा में दिवंगत तानसेन की समाधि उनकी इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप ग्वालियर में बनाई गई है। उस्ताद अलाउद्दीन खान तो सन 1881 में त्रिपुरा के शिवपुरी गांव में जन्मे। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कलकत्ता आकर हाबू दत्त से मृदंग सीखा। अंततः उन्होंने मैहर के राजा ब्रजनाथ के आमंत्रण पर मैहर दरबार की सेवा स्वीकार की, जो उनकी कर्मस्थली बन गई। अपनी पत्नी मदन मंजरी से उत्पन्न अन्नपूर्णा का विवाह उस्ताद ने अपने प्रिय शिष्य पंकज रविशंकर से किया, जो विश्वविख्यात सितार वादक रहे। उस्ताद के शिष्य देख लेते हैं तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे, पन्ना लाल घोष ये शहनाई बजाते थे, आशीष खान शरण रानी, अली अहमद और उनके पुत्र अली अकबर। अलाउद्दीन खान को उनकी संगीत सेवा के लिए भारत का गौरव, अबताबे हिंद, संगीताचार्य, देशिकोत्तम, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने उनकी स्मृति में मैहर में ही अलाउद्दीन खान संगीत अकेदमी की स्थापना की। उस्ताद हाफिज अली खान तो 1888 में ग्वालियर में जन्मे। उस्ताद हाफिज अली खान के पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे। उनके पूर्वजों ने ही अफगानी रबाब को सरोद में बदला। उस्ताद ने वृंदावन के गणेशी लाल और चुक्का लाल से ध्रुपद तथा होरी सीखी। ठुमरी और पखावज क्रमशः गणपत राव और कुदाव सिंह से सीखा। इन्होंने ग्वालियर में माधवराव सिंधिया प्रथम और जीवाजीराव सिंधिया के दरबार में लंबे समय तक संगीत सेवा की। यहाँ इनको संगीत रत्नाकर से नवाजा गया। अबताबे हिंद संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार तथा पद्म भूषण आदि से सम्मानित हुए। इनके पुत्र अहमद अली खान आज दुनिया भर में सरोद वादक के श्रेष्ठतम कलाकार हैं। राजा भैया पूंछ वाले तो 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में जन्मे बाल कृष्ण आनंद राव अल्टेकर ही राजा भैया पूंछ वाले के नाम से संगीत की दुनिया में मशहूर हुए, क्योंकि उनके पूर्वज झांसी में पूंछ के जागीरदार थे। इन्होंने संगीत विद्वानों की पुस्तक मालिका की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा रचित 7 संगीतों में तान संगीतोपासना ठुमरी तरंगनी प्रसिद्ध है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमीर खान तो 1913 में इंदौर में जन्मे अमीर खान को सारंगी और वीणा वादन में उनके पिता से ही शिक्षा मिली। अतिलंबित लय में झुमरा ताल, तिलवाड़ा या एक ताल में गाने की शुरुआत अमीर खान साहब ने की थी। इसी प्रकार ख्याल गायकी में मंद मंद गायन,
की ही देन है, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया। तराना की खोज पर बिहार संगीत नाटक परिषद ने फेलो बनाया। भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया। आमिर खान इंदौर घराने के जन्मदाता थे। कुमार गंधर्व तो बेलगांव कर्नाटक में 1924 में जन्मे। शिवपुत्र कुमार गुप्त का मूल नाम के पिता कोमकली भी संगीत के जानकार थे। वे नए वातावरण हेतु देवास चले आए और यहीं के होकर रह गए। लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत की खोज की, उन्हें स्वर दिया। उन्होंने नए रागों का भी निर्माण किया, जिन्हें अहिमोहिनी, मानवती सहेली, तोड़ी, मिदमारी, भावमत भैरव, लगन गंधार और गांधी राग प्रमुख हैं। उन्होंने अनुराग विलास नामक संगीत पुस्तक की रचना की। संगीत नाटक अकादमी और मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया। पद्म विभूषण कुमार गंधर्व का देहांत 1992 में हुआ। राज्य शासन ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की भी स्थापना की। इनके पुत्र मुकुल शिवपुत्र भी उम्दा गायक हुए। कृष्णराव पंडित तो संगीता के पिता श्री शंकर राव पंडित के यहाँ 1893 को ग्वालियर में जन्मे। कृष्णराव पंडित को संगीत की विधिवत शिक्षा दी। उनके गुरु उस्ताद मोहम्मद निसार हुसैन थे। उन्होंने गायन की बोल तान शैली में विशेष रूप से पारंगत थे और स्वयं के और स्वर के साथ शब्दों का भी प्रयोग करते थे। इन्होंने संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत अलापचारी, सितार, जल तरंग, तबला वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना भी की। मुल्तान संगीत सभा ने कृष्णराव को गायक शिरोमणि से और कानपुर स्थित भारतीय संगीत विद्यापीठ ने संगीत मार्दंड से विभूषित किया। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित कृष्णराव को मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान से नवाजा गया। शंकर राव पंडित तो 1863 में ग्वालियर में जन्मे। शंकर राव पंडित की जन्म से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने गायन की टप्पा शैली धार की देवजी बूबा से प्राप्त की। ख्याल टप्पा और विशेषकर राग यमन में इनका एक अधिकार था। अमजद अली खान तो ग्वालियर में 1955 में जन्मे। श्री अमजद अली खान विख्यात सरोद वादक हैं। इनके पूर्वजों ने ही संगीत का अफगानी यंत्र रबाब का आविष्कार किया। इनके पिता हाफिज अली खान ने से आपने शिक्षा प्राप्त की, जो स्वयं भी ग्वालियर घराने के विख्यात संगीतकार थे। इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बैजू बाबरा तो मूल नाम बैजनाथ मिश्र है। इनका चंदेरी में जन्म हुआ था। इनके भी गुरु हरिदास थे, जो कि तानसेन के भी गुरु थे। इनकी प्रेसी कलावती थी, जिसके प्यार में ये इतने दीवाने थे कि लोग इन्हें बाबरा कहने लगे। तो ध्रुपद के महान गायक थे तथा तानसेन को अकबर के दरबार में हराकर माफ कर दिया था। तो खैर टैलेंट तो था। तो पुराने जमाने के कबीर सिंह कहा जा सकता है इनको। उन्होंने अकबर का दरबारी बनने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और बैजू भीम पलासी गाकर पत्थर पिघला देते थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि पत्थर को पिघला देते थे। के प्यार में दम तो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के लोक गायन देखते हैं। तो गायन का नाम, संबंध क्षेत्र, विशेषता और प्रमुख वाद्य यंत्र। तो कलगी तुर्रा ये निवाड़ में। तो निवाड़ में दोस्तों ये चार गायन गाए जाते हैं। कौन कौन से? कलगी तुर्रा, फाग, गरबा, मसन्या और निर्गुणिया। नारदी गायन ये। तो
विशेषता क्या है कल्कि दुर्गा की? ये शिव पार्वती को समर्पित है और प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो चंग है। फाग ये होली के अवसर पर गाया जाता है। गरबा इनकी तीन शैलियां हैं, गरबा, गरबी और गबलन, और ये ताल की थाप इसकी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसमें मसन्या ये मृत्यु गीत है, यानी मरने पर ये गाया जाता है, और निर्गुणिया निमाड़ ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना इसकी विशेषता है, और प्रमुख वाद्य यंत्र एक तारा और खड़ताल है। तो भरथरी, संध्या गीत, तेजा जी कथा गायन, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता और लावणी ये मालवा के गायन है, मालवा के। तो भरथरी का क्या विशेषता है? नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गाते हैं। चिंकारा प्रमुख वाद्य यंत्र है। संध्या गीत तो मूलतः मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। ये तेजाजी कथा गायन ये वीरोचित कार्यों का बखान इसमें किया जाता है। हीड़ गायन तो श्रवण महीने में किया जाता है। बरसाती वार्ता ये ऋतु कथा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये लावणी दोस्तों मालवा और निवाड़ दोनों, मालवा निवाड़ दोनों अंचलों में गाया जाता है। ये निर्गुणी दार्शनिक गीत है। रेलो गीत ये मुड़िया सींग मड़िया भील ये लोग गाते हैं, युवक युवतियों का ये गीत है। चौकड़िया फाग तो ये बुंदेलखंड में ये दोस्तों ये तीन चार पांच तो हैं। कौन कौन से? चौकड़िया फाग, आल्हा, भोला गीत या बम्बुलिया, लमटेरा गीत, फिर बिरायटा, बिरायटा, दीवारी गायन, जगदेव का पुराबा। तो ये महत्वपूर्ण बघेलखंड की गायन है। तो चौकड़ी फाग तो ये ईसुरी की रचनाओं का गायन है। आल्हा वीर रस प्रधान काव्य है। भोला गीत या बम्बुलिया ये वाचिक परंपरा का मधुर गीत नर्मदा स्नान जाते समय, नर्मदा स्नान जाते समय इसको गाया जाता है। बिरायटा ये कथा गायन शैली में इसको गाया जाता है। दीवारी गायन ये दोहा गायन शैली में इसको गाया जाता है, और जगदेव का पुराबा ये भजन गायन शैली में गाया जाता है। बसदेवा का गायन ये बघेलखंड में होता है। कथाओं और गाथाओं का गायन ये इसमें चुटकी, पैजर, सारंगी वाद्य यंत्र है। फिर बुंदेलखंड में बहुत सारे आ गए, तो बिरहा गायन, फाग गायन, हरदौल की मनौती, खैर ये बघेलखंड में भी गाया जाता है। तो बिरहा गायन सवाल जवाब की शैली में गायन है। फाग गायन ये नगाड़ों पर फाग गायन होता है। हरदौल की मनौती है वीरता का गायन है। विदेशिया गायन ये बघेलखंड का है, जंगल या सुनसान जगह पर इसको गाया जाता है विदेशिया गायन को। चलिए अब लोक गायन थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखते हैं। तो निमाड़ अंचल के लोकगीत कौन कौन से हैं? कल्कि तुर्गा, कल्कि तुर्रा। निमाड़ अंचल में कल्कि तुर्रा प्राचीन लोक गायन है, लोक गायन शैली है। यह कल्कि और तुर्रा नामक दो अखाड़ा दलों के मध्य शाब्दिक वाद विवाद है। चंग की थाप पर रात रात भर कल्कि तुर्रा गाया जाता है। अखाड़े के गुरु को उस्ताद कहते हैं। यह लोक गायन भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। लावणी तो यह मालवा और निमाड़ दोनों में गाया जाने वाला निर्गुण निर्गुण दार्शनिक गीत है। निर्गुणिया गायन शैली तो मृदंग और छाछ पर इस गायन की शुरुआत स्वयं सिंगा जी ने की थी। इसे नारदीय शैली भी कहा जाता है। वैसे निर्गुणिया गायन शैली के मुख्य वाद्य यंत्र एकतारा और खड़ताल रहे हैं। गरबा गीत तो निमाड़ स्त्री परक अनुष्ठानिक लोक गायन है। नवरात्रि में गरबे की स्थापना के साथ महिलाएं ताली की थाप पर गरबा गीत गाती हैं। इसके साथ नृत्य प्रवृत्ति भी है। गरबा मूलतः देवी गीत है। गरबा, गरबी और गावलन तो गरबी गरबी प्राय पुरुष परक लोक गायन है। इसे झांझ, मृदंग के साथ गाया बजाया जाता है। गरबी की गायन शैली द्रुत में होती है, जो नृत्य और बैठकी गायकी दोनों में चलती है। गबलन गबलन मूलतः कृष्ण लीला का गीत है, कृष्ण लीला गीत है। गबलन गीतों का मुख्य उपयोग रास लीला में किया जाता है। गबलन गीत पुरुष परक है, जो
झांझ मृदंग और ढोलक पर गाए जाते हैं। मसान्या, तो मृत्यु गीत की मसान्या गायन शैली भी यहाँ प्रचलित है। मसान्या को काया काया खोज भी कहते हैं, काया खोज। मालवा अंचल के गायन, तो तेजा जी कथा गायन, तो इस कथा में तेजा जी के विरोचित कार्यों को भी उतनी ही ओजस्वी शैली में प्रस्तुत किया जाता है जितनी उनकी दया और प्रभावशीलता को करुण शैली में किया जाता है। धार जिले के बड़नगर में रुणिजा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष तेजा जी मेला का आयोजन किया जाता है। तो तेजा जी मेला कहाँ लगता है? धार जिले में, भरथरी। तो इसमें उज्जैनी के राजा भरथरी के बैरागी हो जाने और उनकी रानी पिंगला के विरह वियोग का अत्यंत मार्मिक चित्रण समाया है। प्रायः नाथ संप्रदाय के अनुयायियों में प्रचलित है जो चिंकारा पर भरथरी गायन गाते हैं। सरंगी या एक तारे पर भी भरथरी गायन होता है। सूरज भाई खांडे ने भरथरी गायन को लोकप्रिय बना दिया है। निर्गुड़िया गायन शैली, तो मालवा अंचल में भी निर्गुड़िया भजन शैली का प्रचलन है। संजा गीत, तो मालवा में किशोरियों का संजा गीत भी काफी लोकप्रिय है। संजा गीत ये किशोरियों का, मालवा में, ये मालवा अंचल के ही हम लोग गीत पढ़ रहे हैं। तो हीड़ गायन, तो श्रवण मास में हरिजन हीड़ गायन की प्रतियोगिता करते हैं। बरसाती वार्ता, तो मालवा में वार्ता का प्रचलन है जो यहाँ घरों में मोहल्लों की स्त्रियां किसी काथे को आपस में कहती करती हैं। यह चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य का मिश्रण में होता है। तो अब चलिए बुंदेलखंडी गायन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आल्हा गायन। तो आल्हा की रचना लोक कवि जगनिक ने 1200 ईस्वी के आसपास की। आल्हा खंड की मूल भाषा बुंदेली है, अतः आल्हा उदल की 52 लड़ाइयां लोक कंठों में विद्यमान है। आल्हा का लोक प्रचलित रूप बुंदेलखंड के गांवों में अल्हायत आज भी गाते हैं। आल्हा प्रायः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक और नागड़िया का प्रयोग होता है। आल्हा खंड संसार की सबसे लंबी कथाओं में से एक है। हरदौल की मनौती, तो मुख्यतः बुंदेलखंड में गाया जाने वाला वीर गीत। बुंदेलखंड में लाला हरदौल को लोक देवता के रूप में माना जाता है। यहाँ विवाह के समय पहला निमंत्रण कार्ड लाला हरदौल को भेजा जाता है और महिलाएं विवाह को भली प्रकार से संपन्न कराने के लिए उनके भात चावल की मनौती गीत द्वारा मांगती हैं। ओरछा स्थित लाला हरदौल के चबूतरे पर बुंदेलखंड और बघेलखंड से भी लोग कार्ड चढ़ाने आते हैं। बीलवाटी, तो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध धार्मिक गीत। इसे शेर, रहारे, मल्हारे, गोटे, रवाले आदि रूपों में गाया जाता है। फाग गायन, तो फाग गायन होली के अवसर पर होता है। फागुन माह के लगते ही समूचे बुंदेलखंड में ठाकुर फाग, ऐसुरी फाग, राई फाग शुरू हो जाते हैं जो होली जलने के बाद रंग पंचमी तक चलती है। ठाकुर फाग में स्त्रियां जिराई का खेल खेलती हैं। जिराई का आकार अंग्रेजी की एच अक्षर के समान होता है। बिरायता गायन, तो बिरायता मूलतः कथा गायन शैली है। इसमें जिसमें मुख्य रूप से महाभारत के साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्र लोक नायकों की कथाएं गाई जाती हैं। भोला गीत, तो इसे बम्बुलिया या लमटेरा गीत भी कहते हैं। बुंदेलखंड की वाचिक परंपरा का मधुर गीत है। नर्मदा स्नान को जाते समय सामूहिक रूप से गाया जाता है। देवारी गायन, तो अहीर, गावली, बरेदी, धोसी आदि जातियों में देवारी गायन और नृत्य करने की परंपरा है। दीपावली के अवसर पर ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण कर घर घर देवारी मांगते हैं, नेक पाते हैं और ऊंचे स्वर में दोहा गाकर ढोलक, नगड़िया, बांसुरी की समवेत धुन पर तेजी से नृत्य करते हैं। जवार गीत और जगदवे, तो
कुवार मास में ईश्वर भक्त के लिए ज्वार गीत और जगदम्बे का पुबारा गाया जाता है। पुबारा मूलतः भजन शैली में होता है। बघेलखंडी गायन तो बसदेवा है। बसदेवा बघेलखंड का एक पारंपरिक गायन गायक समुदाय है, जिन्हें हर बोले कहा जाता है। श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन गायक भी कहा जाता है। बसदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर हाथ में चुटकी पैजर और सारंगी लिए गाते हैं। बसदेवा जाति रामायण कथा के साथ कर्ण कथा, मोर ध्वज, गोपचंद, भरथरी, भेले बाबा आदि कथा गाते हैं। बिरहा गायन तो बिरहा एक श्रृंगार परक बिरह गीत है। बिरहा प्राय खेत सुनसान राहों में सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। बिरहा विदेशिया गायन तो विदेशिया गायन समूचे बघेलखंड में मिलता है। गड़रिया, तेली, कोटवार जाति के लोग इसमें विशेष दक्षता रखते हैं। विदेशिया का गायन प्रायः जंगल अथवा सुनसान जगह में किया जाता है। विदेशिया विछोह और मिलन के अभिलाषा के गीत हैं। सीदेव तो सीदेव बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गायन है। सीदेव लोक गायन में विभिन्न जनजातियां अपने पारंपरिक उत्सवों के अवसर पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत का गायन करती हैं। विशिष्ट लोकगीत तो सोहर गीत, ये जन्म संस्कार से संबंधित है। बरुआ गीत तो उपनयन संस्कार से संबंधित है। बिहाव गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पठौनी गीत तो संस्कार प्रधान सर्व प्रमुख लोकगीत पठौनी है। ऋतुओं से संबंधित गीत तो फाग गीत वसंत ऋतु में गाया जाता है। बारहमासी तो जेठ माह के प्रारंभ इस गीत में ऋतुओं की महिमा का बखान किया जाता है। सवनाही गीत तो ये वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। धर्म उपासना संबंधी गीत तो चवारा, गौरा गीत, माता सेवा गीत, भोजली कजली गीत, कार्तिक स्नान गीत, पंडवानी गीत, गम्मत गीत ये गणेश उत्सव पर गाया जाता है। गम्मत गीत, ढोलकी गीत, दोस्तों ये नगमत गीत, ददरिया गीत, ढोला मारू गीत। तो ढोला मारू गीत मूलतः राजस्थानी प्रेम गीत है जो यहाँ गाया जाता है। और सौंदर्य और श्रृंगार प्रधान ददरिया गीत लोक गीतों का राजा कहलाता है। ये लोक गीतों का राजा कहलाता है, ये याद रखिएगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें तो नहीं है दोस्तों। भोजली ये सावन माह में गाया जाता है। फिर माता सेवा गीत या चेचक माता की शांति के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नचौनी गीत ये एक बिरह गीत है। बांस गीत तो विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित इस गीत को बांस के वाद्य यंत्र को बजाकर गाते हैं। देवार गीत ये लोक कथा पर आधारित है और देवार जाति के लोग नाचते हुए गाते हैं। लोरी प्रधान या बच्चों के लिए गीत तो लोरी गीत, शिक्षा गीत, खेल गीत, अन्य गीत तो अन्य गीतों में कर्मा गीत, लोरी चंदेनी गीत, बैना गीत, संध्या गीत, डंडा गीत, पंथी गीत, काकसार पाटा ये भोरिया आदिवासी लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु करते हैं। काकसार पाटा ये भोरिया आदिवासी लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु करते हैं। अन्य लोकगीत तो सुवा गीत, दीपावली पर सुवा के लिए गाने जाने वाला रस प्रधान गीत है। इसे गौण स्त्रियां गाती हैं, गौण स्त्रियां। राउत गीत तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के प्रारंभ में होने वाले 10 दिवसीय उत्सव में यह नृत्य गाया जाता है। छेरछेरा गीत तो मास में पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पन्नी नामक त्योहार पर गाया जाने वाला गीत है। तब दोस्तों लोक नृत्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रवार लोक नृत्य तो मालवा में रजवाड़ी डंडा मटकी और पतंग नाच होता है।
निर्माण में गणगौर, गणगौर, काठी, फेफरिया, मडल्या, फिर आड़ा खड़ा और डंडा नाच होता है। बुंदेलखंड में कारणा, कारणा, फिर नौटंकी, नौटंकी, बधाई, राई, याद रखिएगा राई, सहरा, ढीमर राई और जवारा। बघेलखंड में परधावनी, परधावनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और बिहरा। ये महत्वपूर्ण गायन है। मालवा के नृत्य तो मटकी सबसे पहले आता है, मालवा, ये मटकी। तो मटकी मालवा का अत्यंत लोकप्रिय नाच है। विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर महिलाएं विशेष रूप से यह नृत्य करती हैं। ढोल की एक विशेष ताल मटकी पर यह नृत्य किया जाता है। नाच करने वाली महिला छेला कहलाती है। पतंग नाच, तो पतंग नाच में पतंग उड़ाने केहरवा दादरा पर नृत्य किया जाता है। यह एक महिला नृत्य है, यद्यपि आजकल पुरुष भी विवाह अवसर पर इसको गाते हैं। फिर रजवाड़ी नृत्य, तो यह ढोल की पारंपरिक कहरेवा दादरा तालों पर किया जाता है। यह भी महिला प्रधान नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। यही नृत्य अगर झुक कर कहरेवा की ताल पर किया जाता है तो आड़ा खड़ा नृत्य भी कहते हैं इसको। मालवा में रजवाड़ी अवसर विशेष पर किया जाता है। निवाड़ के लोक नृत्य तो गणगौर नृत्य, ये धार्मिक लोक नृत्य है। ये गणगौर देवी की मूर्ति स्थापना मोहल्ले के एक घर में करके सभी स्त्रियां समूह रूप में ढोल और थाली की थाप पर नृत्य करती हैं। गणगौर दो तरह के नृत्य होते हैं, एक झालरिया और दूसरा झोला। वर्तमान में श्री हीरा लाल साद, श्री प्रभाकर दुबे, श्रीमती साधना उपाध्याय का गणगौर नृत्य दल, गणगौर नृत्य दलों में श्रेष्ठ माना जाता है। काठी, तो पार्वती की तपस्या से संबंधित मात्र पूजक नृत्य काठी निर्माण की कलात्मक अभिव्यक्ति है। बाना पहने काठी नर्तक कथा कहते हुए नृत्य करते हैं। ढाक काठी का मुख्य वाद्य है। काठी नर्तकों की भी भूषभूषा को बाना कहा जाता है। काठी नृत्य को चार भगत और दो नर्तक की एक टोली मिलकर प्रस्तुत करती है। चूंकि इस नर्तकों की भूषभूषा नेपाली के महाकाली नृत्य के नर्तकों जैसी है, इसलिए इसे महाकाली नृत्य भी कहते हैं। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधनी एकादशी से और विश्राम महाशिवरात्रि में होता है। महाशिवरात्रि को काठी के नृत्य दल पचमढ़ी, सिरवेल, महादेव, बीजागढ़, चारूबा, बड़केश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर चढ़ चढ़ाते हैं। काठी भगत के आराधक भगत नाम से पुकारे जाते हैं। इस नाथ के प्रमुख पात्र राजुल्या काठी माता को हाथ में लिए रहते हैं और खोदाल थाली बजाकर इस नृत्य के संगीत को लय प्रदान करते हैं। काठी देवी के कारण ही इसे काठी नृत्य के नाम से जाना जाता है, जबकि काठियावाड़ को इस नृत्य का जन्मस्थल माना जाता है। फफारिया, तो फफारिया यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें ऐसे पुरुष पुंगी बजाते हैं, मडल्या, पुंगी बजाते हुए नाचते हैं। मडल्या स्त्री नृत्य है। इसमें ढसेल की थाप पर विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है। आड़ा खड़ा, तो निमाण में जन्म मुंडन विवाह अवसरों पर आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। डंडा नाच, तो वैशाख में कृषक डंडा नाच करते हैं। 20 से 25 के समूहों में डंडा को परस्पर बारी बारी से टकराते हुए एक घेरे में नाच किया जाता है। बुंदेलखंड, तो राई महत्वपूर्ण है दोस्तों बुंदेलखंड का। तो राई जैसे नृत्य में शौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेश है। राई के केंद्र में बिड़नी, बिड़नी नर्तकी होती है, जिससे गति देने का काम मृदंग वादक करता है। राई की विशेषता नृत्य के
विराम काल में स्वांग का आयोजन है जिसमें सामाजिक विद्रूपताओं का खुलकर चोट की जाती है। सहरा नृत्य सावन माह में काजली तीज के अवसर पर आंगनों में नाच कर गाया जाने वाले इस नृत्य में 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं और नृत्य में ढोलक, तिमरी, मंजीरा, मृदंग, बांसुरी वाद्य यंत्र प्रमुख होते हैं। कनाड़ा नृत्य तो धोबी समाज के लोग इसको करते हैं सब अवसरों पर, और नृत्य के साथ सरस्वती और गजानन भगवान की कथा भी की जाती है। नृत्य में भक्ति आधारित गायन होता है जिसमें राम, कृष्ण तथा शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र सारंगी, लोटा, ढोलक, तारे हैं। कभी कभी ढोलक के स्थान पर मृदंग का भी उपयोग किया जाता है। जवारा तो बुंदेलखंड में समृद्धि के उत्सव के रूप में जवारा नृत्य किया जाता है। कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। पुरुष स्त्री दोनों के इस संयुक्त नृत्य में स्त्री के सिर पर गेहूं के उगे हुए जवारा की बास्केट रखी जाती है। ठिमर थाई नृत्य तो यहाँ के ग्रामीण अंचल में ठिमर थाई नृत्य प्रचलित है। ठिमर जाति के नर्तक गीत गाते हुए कथक की तरह पथ संचलन करता है। शादी ब्याह नवदुर्गा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद यंत्र हैं ढोलक, ठिमकी और मृदंग। बधाई तो बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में शादी विवाह के अवसर पर बधाई नृत्य करने की परंपरा है। इस नृत्य में स्त्री पुरुषों की संयुक्त भूमिका होती है। बघेलखंड के नृत्य तो बिरहा गायन। बघेलखंड में सभी जाति समुदाय के मध्य उनकी जाति के नाम से बिरहा नृत्य अरहाई किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष सवाल जवाब करते हैं। केहरा तो स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य केहरा नृत्य है जिसमें दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसमें बांसुरी की धुन महत्वपूर्ण होती है। दादरा नृत्य कोल, कोवार, कहार जाति में दादरा नृत्य प्रचलित है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कलसा तो अहीर, अरिया आदि जातियों में सिर पर कलश रखकर कलसा नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुषों में कमाली नृत्य सवाल जवाब की शैली में होते हैं। केमाली नृत्य तो केमाली नृत्य को सजन सजनी नृत्य भी कहते हैं। केमाली में स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। यह विवाह अवसर पर किया जाता है। केमाली के गीत जवाब की शैली में होते हैं। अटारी नृत्य तो यह बघेलखंड के भूमिया बैगाओं का नृत्य है। नृत्य बदलाकार होता है। एक पुरुष के कंधे पर दो आदमी आरूढ़ होते हैं। तो पंडवानी, ये पंडवानी गायन शैली महाभारत आख्यान पर आधारित ऐसी लोक गायन परंपरा है जिसे एक ही व्यक्ति द्वारा ओजस्वी भाषा में नृत्य अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पंडवानी मुख्यतः छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। इसे पांडवों की एकल कथा गाई जाती है। पंडवानी में अध्यात्म, धर्म, उद्देश्य, शौर्य, साहस, श्रृंगार सभी भाव सम्मिलित हैं। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं। कपालिक, इसमें गायक गायिकाओं के कपाल का प्रयोग होता है। कपालिक शैली के प्रमुख गायक गायिका हैं तीजन बाई, शांति बाई चिलकने, उषा बाई बारले और ऋतु वर्मा। वेदमती, इसका सेकंड शाखा है वेदमती। वेदमती शैली वाचक परंपरा पर आधारित है। वेदमती शैली के गायक गायिका वीरासन पर बैठकर पंडवानी गायन करते हैं। वेदमती गायन शैली के प्रमुख गायक गायिका हैं पुनाराम निषाद, पंचूराम, रेवा राम, लक्ष्मीबाई, सिझाड़ू राम देवांगन, राजा चक्रधर सिंह। उनके समय में रायगढ़ गणेश पूजा उत्सव में देश भर के कलाकार एकत्रित होते थे। इस उत्सव को गणेश मेला के नाम से जाना जाता था। उनकी स्मृति में आज भी रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। चक्रधर सिंह संक्षिप्त परिचय तो पिता का नाम राजा नटवर सिंह, जन्म 1905 में रायगढ़ में, मृत्यु 1947 में।
रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रग रत्न मंजूषा, ताल तोय निधि, संगीत विषय कही, भूरज वर्ण पुष्पाकर, नर्त सर्वस्त्र, नृत्य संबंधी तथा अलकापुर माया चक्र, रस्म रास, सभी साहित्य। उपाधि संगीत सम्राट की उपलब्धियां, रायगढ़ महाराज रहे, प्रसिद्ध संगीतकार नर्तक रहे, कार्तिक राम को आश्रय। पंडित कार्तिक राम कौन थे? तो बिलासपुर के भवरतान गांव में सन 1912 में कार्तिक राम का जन्म हुआ। राजा चक्रधर ने कार्तिक राम को गणेश उत्सव के दौरान गम्मत नृत्य करते देखा और मोहित होकर उन्हें अपने आश्रय में ले लिया तथा कथक नृत्य के शिक्षण की व्यवस्था की। पंडित कार्तिक राम ने सन 1936 में दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में चुनौती भरा नृत्य प्रस्तुत किया, जहां उनकी असाधारण नृत्य कला पर विशेष सम्मान एवं नृत्य सम्राट की उपाधि मिली। कार्तिक राम एवं कल्याण दास की जोड़ी ने पूरे देश में ख्याति अर्जित की। सम्मान या उपाधि क्या क्या मिली है उनको? तो नृत्य सम्राट, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड, सुर श्रृंगार परिषद मुंबई से पदातिक सम्मान। विशेष तो गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार, अपने समय के असाधारण नृत्यकार, रायगढ़ घराने के विलक्षण विशिष्टतम, अति विलंबित लय पर असाधारण अधिकार, भजन गजल और ठुमरी गायन। ढोला मारू, तो मूलतः राजस्थान की लोक कथा ढोला मारू कालांतर में क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके संपूर्ण उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गई है। ढोला मारू स्थानीय सांस्कृतिक रंगों में लिपट कर मनो हारी हो जाती है। सूरज भाई खांडे ढोला मारू को बेहतर प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। तो अब जनजातियों के नृत्य देखते हैं दोस्तों। तो गौर नृत्य ये सिंगमारिया जनजाति बस्तर के से संबंधित। इस नृत्य को खुशी के अवसर पर, विशेषकर नई फसल के समय किया जाता है। इसमें माड़िया युवक गौर नामक पशु के सींग कौड़ियों से सजाकर सिर पर बांधते हैं और अत्यंत आकर्षक ढंग से नाचते हैं। इसे वारियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है, गौर नृत्य को। गैणी नृत्य, तो मुड़िया आदिवासी बस्तर युवक लकड़ी की ऊंची गेड़ी पर चढ़कर तेजी से नृत्य करते हैं। इसमें शारीरिक कौशल और संतुलन महत्व रखता है। घाटुल नामक युवक ग्रह के अंदर तथा तो बाहर इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है, जिसे विटोंग कहते हैं। यह गीत रहित नृत्य है। मंडारी नृत्य, घाटुल समाज में मुरिया युवक और युवतियों द्वारा पृथक पृथक गीत रहित नृत्य किया जाता है। राउत नृत्य तो अंचल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। इसमें अहिर जाति के लोग बड़े उत्सव से भाग लेते हैं। यह देव उठनी एकादशी के पश्चात आयोजित होता है। ककसार, तो मुड़िया आदिवासियों बस्तर द्वारा अपने देवता लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु यह नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसे ककसार पाटा कहते हैं। पंथी नृत्य, तो सतनामी जाति का नृत्य है। माघ पूर्णिमा को जैत खम्भ की स्थापना कर उसके चारों ओर किया जाता है, जिसमें गुरु घासीदास की चरित्र गाथा को राग से गाया जाता है। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है। विजयदशमी से शुरू होकर वर्षा के आगमन तक चलता है। कर्मा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय ताल पद संचालन का विशेष महत्व है। लय और ताल के अंतर में यह नृत्य चार प्रकार का है, कर्मा खरी, कर्मा खाए, कर्मा छुन्नी, कर्मा लाकी। मंडला के बैगा और घोड़ों का तो यह प्रमुख नृत्य है। बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य बैगानी कर्मा कहलाता है। इसका केंद्रीय वाद्य यंत्र मांदर है,
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल देश का पहला नृत्य कर्मा है। 11 अप्रैल 2016 को आदि उत्सव में 3050 छात्र छात्राओं द्वारा संपन्न दशहरा और दादरिया। तो बैगा आदिवासियों के त्यौहार दशहरा और दादरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। विजयलक्ष्मी से शुरू होने के कारण इस नृत्य का नाम दशहरा पड़ा। दादरिया नृत्य दशहरा नृत्य की कड़ी है जो लोक जीवन में प्रेम कविता के रूप में स्वीकृत है। भगोरिया, तो संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व आरंभ होता है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन गंगुलिया हाट लगता है, इसमें महिला और पुरुष अपने उपयोग की वस्तु खरीदते हैं। इसी भगोरिया हाट के समय बाजार में गांव के सम्मानित एवं वयोवृद्ध व्यक्ति द्वारा भगौरा देवता की पूजा की जाती है। फिर सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ों का आयोजन होता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। 3रे दिन मेला वीरान हो जाता है, जिसे उजड़िया भी कहते हैं। इसमें अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती हैं। रीना नृत्य, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की गौण जनजाति की स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी क्षेत्र की गौण जनजाति विभिन्न उत्सवों में इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। रीना नृत्य में भी गिरजा उत्सव मनाने की परंपरा है। भवाई, तो भवाई अथवा भवाई मालवा में विशेषकर झाबुआ के आसपास भीलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य राजस्थान में भी प्रचलित है। इस नृत्य में घूंघट किए हुए नर्तकियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। नर्तकियां 7 अथवा 8 तांबे के घड़े सिर पर रखकर व उनका संतुलन रखते हुए नृत्य करती हैं। भवाई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं किसी गिलास के ऊपर अथवा तलवार की धार पर अपने पैर के तलवों को टिकाकर झूलते हुए नृत्य करती हैं। तरताली, तो कमार जनजाति का यह नृत्य 2 या 3 स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दांतों में तलवार पकड़ी स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाए रखती हैं। गोल गधेड़ो नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। आहरी नृत्य, तो ग्वालियर की यादव ग्वाला रावत राउत बड़ेरी जाति द्वारा किया जाता है। परधावनी, तो परधावनी नृत्य बैगा जनजाति का एक कला प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य, लहंगी श्रावण मास में किया जाने वाला सहरियाओं का सामूहिक नृत्य है। भुजरिया के जुलूस के आगे आगे सहरिया पुरुषों द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। हुलकी, तो मुदिया जनजाति के हुलकी नृत्य में लड़के लड़कियां दोनों ही भाग लेते हैं। इसमें गाते हैं कि राजा रानी कैसे रहते हैं। थापटी नृत्य, चैत्र वैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष या सामूहिक नृत्य करते हैं। युवतियों के हाथों में चिरकोटा वाद्य होता है और युवकों के हाथों में एक पंखा और झांझ नामक वाद्य होता है। वे गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुक झुक का नृत्य करते हैं। थापटी के मुख्य वाद्य ढोल और ढोलक हैं। ग्राम मल्हारगढ़ खंडवा के श्री मोजीलाल कोरकू थापटी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सैला नृत्य, तो यह शुद्धतः जनजातियों का नृत्य है। यह नृत्य आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। सैला का डंडा होता है। यह नृत्य दशहरे में आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु की रातों में चलता है। आदिदेव को प्रसन्न करने हेतु सैला नृत्य का आयोजन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक सादी वेशभूषा हाथों में डंडा लेकर एवं पैरों में घुंघरू बांधकर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। पहले एक गायक एक दोहा बोलता है, फिर शेष उसे दोहराकर नाचते हैं। मांदर इसका प्रमुख वाद्य है। सैला मूलतः डंडा नृत्य है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में सैला नृत्य कहा जाता है। अटारी नृत्य,
तो बघेलखंड की भूमिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है ढाढ़ल नृत्य। तो यह नृत्य कुरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं और नृत्य करते समय एक दूसरे को छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। यह नृत्य श्रेष्ठ जेठ अषाढ़ की रातों में किया जाता है। नृत्य के साथ ढोलक, ठिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि का प्रयोग होता है। डुलडुल घोड़ी राजस्थान का मूल नृत्य है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी का यह स्वांग राजस्थान से आया है। सहरिया संस्कृति राजस्थान से प्रभावित है। नृत्य में ढोलक, नगड़िया, झीका, मशक वाद्य होते हैं। भारिया भड़म सहतम नृत्य। भारिया आदिवासियों का यह नृत्य समूह है जिसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं और 20 से लेकर 50 नर्तक भाग लेते हैं। सहतम महिलाएं करती हैं। मुंडा जनजाति में भी यह नृत्य प्रचलित है। सरहुल नृत्य, तो उराव जनजाति द्वारा सरई वृक्ष उनके देवता का निवास के चारों ओर चैत्र मास पूर्णिमा को किया जाता है। पौल दह का नृत्य, बघेलखंड में कोल जनजाति का सामूहिक गीत प्रधान नृत्य है। गरबा डांडिया, दशहरे के अवसर पर निमाड़ की बंजारा जनजाति के नृत्य ये नृत्य करती हैं। बिनकी, तो भोपाल के कृथक आदिवासी यह नृत्य करते हैं। गौचो, तो वर्षा की प्राप्ति के लिए गौण जनजाति नृत्य करती है। टीना, दीपावली के बाद होने वाला गौण स्त्रियों का नृत्य है ये। गेड़ी, पाव में घोड़ियां फंसाकर गौण जनजाति यह नृत्य करती है। रागिनी, तो ग्वालियर की सभी जाति एवं जनजातियों का नृत्य। दोहा नृत्य, दोहा नृत्य कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है महिलाओं द्वारा किए गए नृत्य के विपरीत पुरुष अन्य प्रकार से नृत्य प्रदर्शन करते हैं। भील जनजाति में दोहा नृत्य भील नृत्यों का गजरा कहलाता है। गरबी नृत्य, तो भील जनजाति में गरबी नृत्य पितृ और प्राकृत पूजा के रूप में किया जाता है। पूजा नृत्य, धार्मिक आस्था से प्रेरित यह नृत्य गौण एवं उराव जनजाति का है। गौण जनजाति मंडला क्षेत्र द्वारा ज्येष्ठ माह में बिदरी पूजा का उत्सव एवं उराव जनजाति द्वारा चैत्र मास में साल पूजा सार्वजनिक उत्सव पर यह किया जाता है। जनजातियों के लोक गायन, तो ककसार पाटा मुड़िया आदिवासियों बस्तर द्वारा अपने देवता लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु यह गीत नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसे ककसार पाटा कहते हैं। हुलकी पाटा, तो हुलकी पाटा आदिवासियों में प्रचलित है। लड़के लड़कियां दोनों ही गाते हैं। इसमें यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं, हुलकी नृत्य के समय गाते हैं। बांस गीत, तो यह मूलतः एक कथा गायन है जिसमें नायक रागी और वादक होते हैं। इसमें मोटे बांस के 1 मीटर लंबे वाद्य को बजाया जाता है। इसी कारण इसे बांस गीत कहा जाता है। इसे प्रायः राउत जाति के लोग गाते हैं। पंडवानी, महाभारत आख्यान पर आधारित गौण आदिवासियों की प्रधान उपजाति से मुख्यतः संबंधित है। घोटुल पाटा, तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में गौण एवं मुड़िया जनजाति के लोगों द्वारा ऋतु के मौके पर गाया जाने वाला गीत है। इस लोकगीत में मुख्यतः राजा जुलोंग साय की कथा के साथ प्राकृत के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यह लोकगीत मुख्यतः बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। पंबारा, पद्य गद्य गायन शैली का यह नृत्य 2 दलों में प्रश्नोत्तर शैली में होता है। भाव आवेग के साथ इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। परंपरागत लोक गायन, तो बसदेवा, बसदेवा की बस्तियां गांव के बाहर जंगलों के निकट होती हैं। बसदेवा बसे पहाड़ की हरे मोर राम जी, इनका मुख्य कर्म गायकी रहा है। इनको हर बोला या जग गंगान भी कहा जाता है। देवार, तो देवार पारंपरिक रूप से सारंगी और ढोंगरू वाद्य के साथ संगत करते हैं। ये चंदा रौताइन दसमत सीताराम गायक नगेसर कैना गोडवानी पंडवानी कथा गायकी के साथ बंदर का खेल भी दिखाते हैं।
बैरियर एल्विन के अनुसार देवार संभवतः गौड़ एवं कंबार से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें ओझा भी कहा जाता है। प्रधान तो गायकी से जुड़ी जनजाति जो लिंगो पाटा गाते हैं, इसमें गौड मिथकों और गौड इतिहास से संबंधित कथाएं गाते हैं। मध्य प्रदेश के विशिष्ट लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बधाई नृत्य तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है खुशी के अवसर पर। चटकोरा नृत्य ये कोरकू आदिवासी का नृत्य है, निमाड़ में ये गाया जाता है चटकोरा। टीना नृत्य तो ये बैगा और गौण स्त्रियों का दीपावली पर नृत्य है। बिमला नृत्य तो बैगा जनजातियों में प्रेम प्रसंग पर आधारित। भगोरिया हाट तो भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मटकी नृत्य तो मालवा का एकल नृत्य है। गोचो नृत्य गौणों द्वारा किया जाता है। बार नृत्य तो यह कंवर आदिवासियों का नृत्य है। लांगी नृत्य कंजर बंजारों एवं सहरिया लोगों का नृत्य। परधावनी नृत्य विवाह अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात की आगमनी के समय। कांडा नृत्य तो बुंदेलखंड में धोबी जातियों के द्वारा। बरेदी नृत्य तो ग्वाला और गुर्जर जातियों के द्वारा। चलिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश के प्रचलित वाद्य यंत्र देख लेते हैं। तो मुख्य वाद्य यंत्र यानी विंड इंस्ट्रूमेंट सिंगा बाजा है, फिर पुंगी या बीन है, असिंगा है, मोहरी और बांसुरी। तो ये महत्वपूर्ण विंड इंस्ट्रूमेंट है, सिंगा बाजा, पुंगी या बीन, असिंगा, मोहरी, बांसुरी। फिर परसिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यानी हस्त वाद्यंत्र, तो इसमें ढोलक है, ढोलकी है, खंजरी है, माठल है, टिमकी है, तबला है। ये महत्वपूर्ण। फिर स्वर ध्वनि के यंत्र यानी ऑटोफोनिक इंस्ट्रूमेंट, तबरी, खिड़की, तो गौड़ जाति द्वारा प्रयुक्त खिड़की बांस की होती है। ये तबरी राज्य की जनजातियों का प्रमुख यंत्र है। फिर ठिसकी अन्य यंत्र देख लेते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट, तो गेंडी है, फिर पेजिनी है, पेजिनी। तार वाद्य यंत्र तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक तारा है और तानपुरा है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों ने संगीतकार और जो मध्य प्रदेश के लोक गायन और नृत्य को कवर किया है, इसमें जनजातीय नृत्य भी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अब मिलेंगे मध्य प्रदेश के लोकचित परंपरा को पढ़ने के लिए। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।